हरे कृष्ण ओम ज्ञान त्रिविनंदस्य ज्ञानंजनाशलक्य चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। इन श्लोकों में और अनुवाद में हमारा पूरा संदेश प्राप्त होता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रमाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए, उनसे दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद में नारद मुनि प्रचेतस को कहते हैं कि स्वाभाविक व्यक्ति 3 प्रकार के जन्म प्राप्त करता है। पहला जन्म है जब वो माता के गर्भ से जन्म लेता है, और इस जन्म को कहा जाता है शोक्र जन्म। शोक्र का अर्थ है वीर्य, और शोक्र जन्म एक रूप से पशु भी प्राप्त करते हैं, पशु भी जन्म लेते हैं वीर्य के कारण। दूसरा जन्म प्राप्त होता है जब आपको हरि नाम दीक्षा प्राप्त होती है, इसको कहा जाता है सवित्र जन्म। और तीसरा जन्म प्राप्त होता है जब हमें गायत्री मंत्र या ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त होती है, और इसे कहा जाता है यज्ञ का जन्म। चैतन्य महाप्रभु जी ने भक्ति का उपदेश देते हुए सनातन गोस्वामी से कहा कि पहले कदम में हमें प्रमाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए, और प्रमाणिक गुरु के विषय में रूप गोस्वामी उपदेश में कहते हैं वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीव वेगम उदार पस्त वेगम, कि प्रमाणिक गुरु को मन और इंद्रियों पर पूरा वश होना चाहिए और शास्त्र के आधार पर उपदेश देना चाहिए। तो पहले कदम में हम प्रमाणिक गुरु की शरण लेते हैं, सेवा करते हैं, फिर दीक्षा लेते हैं। फिर आगे चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये पूछो कि मुझे क्या त्यागना चाहिए भगवत प्रेम को प्राप्त करने के लिए। जिस प्रकार साधारण स्थिति में अगर मान लो आपको कोई बीमारी हो जाए, मान लो आपको डायबिटीज की बीमारी हो जाए, तो चाहे आपको चीनी का कितना शौक हो, मीठी चीज़ों का शौक हो, आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आप उस बीमारी से बचना चाहते हो। तो इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये पूछो कि हमें क्या त्यागना चाहिए भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। और 5वें कदम में जो त्यागने की आवश्यकता है उसे किसी कीमत में भी त्यागो। रूपक गोस्वामी और 6 गोस्वामियों ने हमें अनेक प्रसिद्ध ग्रंथ दिए हैं, और हमारी ये इच्छा होनी चाहिए कि हम उनकी शिक्षा को ध्यान से समझें। तो रूपक गोस्वामी जी कहते हैं हे मेरे प्रिय मित्र, जो भी कीमत भरनी पड़े भरो, पर कृष्ण भक्ति को जरूर प्राप्त करो। तो आप सब जो यहां उपस्थित हो, आप सब जुड़े हो इस संस्था के साथ, और हमारा सौभाग्य है कि श्री प्रभुपाद जी ने हमें शुद्ध उपदेश दिया है, प्रभुपाद जी ने हमें प्रमाणिक उपदेश दिया है, और प्रभुपाद जी ने केंद्रों की स्थापना की सारे विश्व में, साधुओं की जिनमें अनेक साधु मिलते हैं, साधु संगत प्राप्त होती है, और साधु संगत के सहयोग से हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं किसी कीमत में भक्ति के मार्ग में जरूर सफलता प्राप्त करो। तो आप सब जुड़े हो इस संस्था के साथ, आप में से कईयों ने हरि नाम दीक्षा भी दी है, ब्राह्मण दीक्षा भी दी है, पर हम सबका उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमने भगवत प्रेम प्राप्त करना है। और इन श्लोकों में अमरीश महाराज अच्छा उदाहरण दे रहे हैं किस प्रकार से हम इस आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अमरीश यहाँ शुक्रदेव गोस्वामी कहते हैं कि महाराज अमरीश ने सदा अपने मन का उपयोग किया
भगवान का चिंतन करने के लिए। भगवद गीता के छठे अध्याय का विषय है ध्यान योग, और इसमें भगवान कहते हैं कि हमें मन को बंधु बनाना चाहिए और शत्रु नहीं। जिस व्यक्ति ने मन पर विजय प्राप्त कर लिया, ये कहा जाता है कि मन मनुष्य का बंधु है, और अगर हम मन को वश में नहीं लाएं, तो ये मन जो है हमारा शत्रु है। तो शास्त्र में अनेक स्थानों में ये कहा गया है, मन मन बाबा मन भक्तो मन या जी माम नमस्कारो, मन के द्वारा मेरा चिंतन करो। तो यहाँ शुक्रदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अमरीश महाराज अपने मन का उपयोग कर रहे थे भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने के लिए। जब ये पढ़ते हो आप शास्त्र में भगवान के चरण कमलों का स्मरण, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ संक्षेप में यह है कि किसी न किसी रूप से भगवान का चिंतन करो। आप कहोगे तो बड़ा कठिन है, असंभव है। नहीं, अनेक उपाय हैं। हमारे आचार्यों ने हमें शिक्षा दी है कैसे हम ये कार्य कर सकते हैं। भगवान के संदेश का स्मरण करो, संदेश जो गीता भागवत इत्यादि में है। भगवान की लीलाओं का स्मरण करो, भगवान के आचार विग्रह का स्मरण करो, भगवान की शिक्षा का स्मरण करो, भगवान के उपदेश का स्मरण करो। किसी न किसी रूप से मन को आध्यात्मिक क्षेत्रों में लगाओ। रूप गोस्वामी जी कहते हैं भक्ति रसमृत सिंधु में कि जो अनेक विधियां हैं, इन सब का मूल संदेश यह है कि हम सदा कृष्ण का स्मरण करें और कभी कृष्ण को भूलें नहीं। और अगर आप प्रयास करोगे तो अवश्य ही सफलता प्राप्त कर सकोगे। आगे शुक्रदेव गोस्वामी कहते हैं कि उन्होंने अपनी वाणी का उपयोग किया भगवान की महिमा का गुणगान करने के लिए। तो भगवान ने हमें जीव दी है, इसका हमें उपयोग करना चाहिए। भगवान का गुणगान करने के लिए, भगवान के लीलाओं का वर्णन करने के लिए, भगवान के संदेश का वर्णन करने के लिए। और अगर हम ध्यान से श्रवणम कीर्तनम पर ध्यान देंगे तो बड़ी सरलता के साथ माया रूपी विचारों से आप बच सकोगे। इसलिए जब प्रहलाद महाराज ने नवदा भक्ति का ज्ञान दिया, सबसे पहले उन्होंने क्या कहा? श्रवणम और कीर्तनम। तो यहाँ आप पढ़ते हो किस प्रकार अमरीश महाराज ने मन द्वारा भगवान और उनकी लीलाओं का चिंतन किया और वाणी के द्वारा भगवान का गुणगान किया। भगवान के गुणगान के विषय में कहा जाता है कि आप जितना करोगे जब भी थकोगे नहीं। कई बार भौतिकवादी व्यक्ति पूछते हैं क्या आप लोग रोज एक ही मंत्र का जाप करते हो, कीर्तन करते हो, थकते नहीं? नहीं, क्योंकि भगवान ने नामों में पूरी शक्ति डाली है। कली काले नाम रूप कृष्ण होता, कलयुग में भगवान प्रकट होते हैं उनके दिव्य नामों के माध्यम से। और अगर हम अनेक आध्यात्मिक गुणों को अनुकूल करना चाहें, जैसे उदाहरण के लिए चैतन्य चरितमृता में आप पढ़ते हो चैतन्य महाप्रभु जी 26 आध्यात्मिक गुणों का वर्णन करते हैं, जिनमें एक है विनम्रता, दयालुता। तो कई बार भक्त पूछते हैं हम इन गुणों को कैसे अनुकूल कर पाए और कैसे हम माया के प्रभाव से अपने आप को बचा सके। तो ये संभव है अगर हम बड़े ध्यान से श्रवणम और कीर्तनम करें। हम सब भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सेवा यह है कि जो जिम्मेदारी हमने उठाई है, 16 माला का जाप रोज करना, एकादशी और शुभ दिनों में 25 माला का जाप, ये हम बड़े ध्यान से करें। और आप देखोगे कि जितने ध्यान से करोगे उतनी तेजी के साथ माया पर वश आएगा और भगवत प्रेम आप अनुकूल कर सकोगे। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उन्होंने अपने हाथों का उपयोग किया
भगवान के मंदिर को साफ करने के लिए। आप चैतन्य चरितमृता में पढ़ते हो कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी उनके साथ ही स्वयं अपने हाथों को और पैरों का उपयोग कर रहे थे, किस लिए? भगवान के गुंडीचा के बंधन को साफ करने के लिए। तो अमरीश महाराज राजा थे, तो जब भी उन्होंने उनमें इतनी विनम्रता थी कि हाथों से क्या कर रहे थे, भगवान के मंदिरों को साफ कर रहे थे, और कानों से क्या कर रहे थे, कानों से उन शब्दों को सुन रहे थे जिनका कृष्णा का नाम, जिनमें कृष्णा का नाम हो और जो कथा कृष्णा से संबंधित हो। जब हम कृष्णा कथा में रुचि लेते हैं तो हमारी भक्ति बढ़ती है, और जब हम प्रजल्प में रुचि लेते हैं तो हमारी भक्ति कमजोर हो जाती है। रूपक गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर आप भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहो तो प्रजल्प से हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए, और कृष्ण कथा में रुचि बढ़ानी चाहिए। तो जीभ के द्वारा भगवान का गुणगान करो, भगवान की लीलाओं का स्मरण करो। आगे वो कहते हैं नेत्र द्वारा भगवान के आर्चा विग्रह का दर्शन प्राप्त करो। तो भगवान इतने दयालु हैं कि अपने आप को प्रकट करते हैं आर्चा विग्रह के रूप में। इस आर्चा विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं। हमें किसी स्थिति में ये नहीं सोचना चाहिए कि पत्थर की मूर्ति है, लकड़ी की मूर्ति है, भगवान स्वयं उपस्थित हैं। और अगर हम श्रद्धा से सेवा करेंगे तो फिर आप आर्च विग्रह का असली दर्शन प्राप्त कर सकोगे। आप चैतन्य चरितमृता में साक्षी गोपाल की कथा पढ़ते हो, किस प्रकार गोपाल आर्च विग्रह साक्षी बने, और माधवेंद्र पुरी की कथा पढ़ते हो जिसमें आप पढ़ते हो कि भगवान ने एक खीर का प्याला चुरा लिया था, किस लिए? अपने भक्त के लिए। माधवेंद्र पुरी बहुत ऊंचे कोटि के भक्त थे जो गए थे उड़ीसा भगवान के लिए चंदन लाने के लिए। जब वो रमुना पहुंचे तो वहां एक बड़ा ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर है राधा गोपीनाथ का, वहां गए दर्शन के लिए। और उस मंदिर में खास करके जो खीर बनाई जाती है भगवान के लिए, कहा जाता है कि ये अमृत के समान है, अमृत के लिए कहा जाता है, अमृत जो कि स्वर्ग में बनता है। तो जमाधवेंद्र पुरी पहुंचे रमुना के मंदिर में तो उनके मन में ये भावना उत्पन्न हुई कि अगर मुझे ये खीर चखने का मौका मिले तो मैं जब लौटूंगा ब्रज में तो मैं भी अपने गोपाल विग्रह के लिए ये खीर बनाऊंगा, ऐसे खीर बनाऊंगा। पर ये भावना प्रकट हुई जब भगवान को भोग लग रहा था, तो माधवेंद्र पुरी चखे बिना वहां से चल पड़े। भगवान को पता था कि उनकी शुद्ध भक्ति इच्छा थी कि खीर को चखे, पर क्योंकि ये भाव प्रकट हुआ जबकि भोग लग रहा था तो उनका भक्त चखे बिना चले गया है। भगवान ने एक खीर का प्याला चुरा कर पर्दे के पीछे छुपा दिया और पुजारी को सपने में कहा कि मैंने खीर का प्याला चुरा कर यहाँ छुपाया है, तुम जाकर इसे दो मेरे भक्त माधवेंद्र पुरी को। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम श्रद्धा से आचार्य विग्रह की सेवा करेंगे तो आप समझ पाओगे कि भगवान इस आचार्य विग्रह में उपस्थित हैं, और इस आचार्य विग्रह भगवान में कोई अंतर नहीं। तो नेत्र द्वारा हमें क्या करना चाहिए, भगवान के आचार्य विग्रह का दर्शन। और आप में से जिन भक्तों के पास इंटरनेट की सुविधा है, कंप्यूटर की सुविधा है, आप इस्कॉन के कई मंदिरों, कई मूर्तियों का दर्शन प्राप्त कर सकते हो रोज। श्री श्री राधा माधव का,
श्री श्री कृष्णा बलराम का, श्री श्री राधा राज बिहारी का। अब ऐसे कितने भक्त हो जो रोज इन इंटरनेट के द्वारा इन मूर्तियों का दर्शन प्राप्त करते हो। जब मैं विदेश में जाता हूँ तो वहां हमारे सारे भक्त रोज कृष्णा बलराम राधा माधव राधा राज बिहारी का दर्शन प्राप्त करते हैं इंटरनेट के द्वारा। तो अमरीश महाराज ने अपने नेत्रों का उपयोग किया किस लिए? भगवान के आचर विग्रह का दर्शन प्राप्त करने के लिए। आगे हाँ, और उन्होंने अपनी इंद्रियों का उपयोग किया किस लिए? भगवान के भक्तों की सेवा करने के लिए। हम केवल भगवान की सेवा नहीं करते, भगवान के भक्तों की सेवा भी करते हैं। कई बार हम भक्तों में यह भाव आता है हम केवल भगवान की सेवा करेंगे, गुरु की सेवा करेंगे, पर हमारे में भाव होना चाहिए कि भगवान के हम सब भक्तों की सेवा करेंगे। और भगवान प्रसन्न होते हैं जब वो देखते हैं कि हम वैष्णव की सेवा कर रहे हैं, भक्तों की सेवा कर रहे हैं। और हमारे में ये सेवा का भाव होना चाहिए। जब हम हरि नाम का उच्चारण करते हैं तो इसके द्वारा हम भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें सेवा दीजिए, सेवा दीजिए। तो अमरीश महाराज ने अपने अनेक इंद्रियों का उपयोग किया भगवान के आचार्य विग्रह की सेवा करने में और भगवान के भक्तों की सेवा करने में। और अपने नाक का उपयोग किया किस लिए? भगवान को जो अर्पण की तुलसी है उसको सूंघने के लिए। आगे उन्होंने अपने जीभ का उपयोग किया किस लिए? भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के लिए। तो भगवान गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे भोग लगाए बिना खाए वो केवल क्या कर खा रहा है? पाप खा रहा है। तो हम भक्तों का ये नियम है कि हम खाएंगे तो क्या खाएंगे? केवल कृष्ण प्रसाद। तो आप ऐसे कितने भक्त हो जो कि केवल कृष्ण प्रसाद ही ग्रहण करते हो? अच्छा, अच्छी बात है। तो हमारा नियम क्या है कि खाएंगे तो केवल कृष्ण प्रसाद खाएंगे। और भगवान जब देखते हैं कि आप केवल कृष्ण प्रसाद ही खा रहे हो तो इसे बड़ा प्रसन्न होते हैं। जब हम भोग तैयार कर रहे हैं तो हमारे मन में यह भाव होना चाहिए ये भोग तैयार हो रहा है किसके लिए? भगवान की खुशी के लिए, ये नहीं हमारे जबान के चस्के के लिए। और फिर हम भगवान को अर्पण करते हैं भोग मंत्रों के उच्चारण के द्वारा। और भगवान फिर इस भोग को खा लेते हैं कैसे? नेत्रों के द्वारा और कानों के द्वारा। जो मायावादी भाव के व्यक्ति हैं वो कहते हैं देखो ये मूर्ख वैष्णव वालों, कहते हैं भगवान ने खा लिया वो थाली वैसे के वैसे भरी हुई है। वो समझ नहीं पाते कि भगवान के अनेक गुणों में एक गुण यह है कि किसी एक अंग से किसी और अंग का कार्य कर सकते हैं, किसी एक ही अंग। और भगवान खाना चाहे तो कैसे खाते हैं? नेत्रों से और कानों से। तो अमरीश महाराज खाते थे क्या? केवल कृष्ण प्रसाद। तो हम सबका ये नियम रहना चाहिए खाएंगे तो केवल कृष्ण प्रसाद खाएंगे, और खाने से पहले हर चीज को भगवान के चरणों में भोग लगाना चाहिए। आगे वो अपने पैरों का उपयोग करते थे भगवान के मंदिर चल के जाने के लिए या तीर्थ के स्थानों पे जाने के लिए। तो आप कहोगे स्वामी जी आप तो बहुत दूर रहते हैं मंदिर से तीर्थ के स्थानों से, तो आप अपने पैरों का उपयोग करो भगवान के मंदिर चल के जाने के लिए, या मोटर से या साइकिल से या रिक्शा से या ऑटो रिक्शा से या मोटरसाइकिल से, और पैरों का उपयोग करो कहाँ पहुँचने के लिए? भगवान के मंदिर पहुँचने के लिए और तीर्थ के स्थानों में जाने के लिए। आगे अमरीश महाराज अपने सिर को झुका देते किसके सामने? परम भगवान के सामने। श्रीमद् भगवत में कहा गया है जब हम भगवान के आचार्य विग्रह का दर्शन प्राप्त करते हैं हमें सिर को झुका देना चाहिए भगवान के सामने, प्रणाम करना चाहिए। और अमरीश महाराज
कि ये इच्छा थी कि 24 घंटे वो भगवान के सेवा में जुड़े रहे। तो आप कहोगे स्वामी जी ये तो बड़ा ऊंचा विचार है, हम तो उस स्थिति में नहीं हैं, हम लोग तो इस समय एक आधुनिक युग में हैं जहाँ माया का इतना प्रभाव है, हम दुनियादारी में हैं, तो हम ऐसे विचार कैसे अनुकूल करें। आपको इतना पता होना चाहिए कि हमारा असली उद्देश्य क्या है और फिर हमें प्रयास करना चाहिए इसे प्राप्त करने के लिए। अगर हम शुरू से ही सोचेंगे ठीक है 24 घंटे में हमने तो 2 घंटा सेवा करना है, बाकी 22 घंटे माया की सेवा करना है, तो आप भक्ति के मार्ग में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकोगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी को शरणागत होने के उपदेश में कहा, पहला नियम यह है जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसे स्वीकार करो, और दूसरा नियम क्या है कौन बताएगा? जो भक्ति प्रतिकूल है उसे त्यागो, किसी कीमत में भी त्यागो। तो हमारा भाव होना चाहिए कि हम 24 घंटे वही कार्य करें जो कि जिसके द्वारा भगवान की सेवा कर सको। तो आप पूछोगे हम जो विश्राम करते हैं 6 घंटे 7 घंटे ये भी सेवा है? ये भी सेवा है अगर आप अपने शरीर का उपयोग कर रहे हो, इंद्रियों का उपयोग कर रहे हो भगवान की सेवा में। तो यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है अमरीश महाराज का, किस प्रकार 24 घंटे के मन में क्या भाव था? कृष्ण सेवा। आप ऐसे कितने भक्तों का ये भाव है 24 घंटे आप कृष्ण भक्ति में रहो? सबका। तो प्रयास करने को तैयार हो? तैयार हो? रूप गोस्वामी जी की शिक्षा पालन करने को तैयार हो? आगे यहाँ अमरीश महाराज की कभी ये इच्छा नहीं थी कि हम इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रखें। तो अगर आप इंद्रियों का उपयोग करोगे भगवान की सेवा में तो इंद्रिय तृप्ति से बच सकोगे। और इंद्रिय तृप्ति के विषय में संतों ने क्या कहा है? संतों ने ये कहा है चाहे आप कितना भी प्रयास करो आप इंद्रियों को कभी संतुष्ट नहीं कर सकोगे भौतिक कार्य के द्वारा। जिस प्रकार अगर आप मछली को जल के बाहर रखो तो मछली कभी संतुष्ट नहीं रहेगी, उसी प्रकार भौतिक कार्यों के द्वारा आप कभी इंद्रियों को संतुष्ट नहीं कर सकते। पर अगर आप इंद्रियों को भगवान की सेवा में जोड़कर रखो जैसे शास्त्रों का वर्णन है फिर आप हर स्थिति में संतुष्ट रहोगे। तो अमरीश महाराज ने अपने अनेक इंद्रियों का उपयोग किया भक्ति संबंधित कार्यों में। हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, उनका उपयोग किया उन्होंने किस में? भक्ति संबंधित कार्य में। और आगे शुक्रदेव गोस्वामी कहते हैं, मैंने ये श्लोक आपको क्यों पढ़कर सुनाया? क्योंकि यहाँ शुक्रदेव गोस्वामी कह रहे हैं ये है भगवान के प्रति आकर्षण बनाने का माध्यम और ये है भौतिक कार्यों से बचने का माध्यम। तो शुक्रदेव गोस्वामी हमें इन श्लोकों में उपदेश दे रहे हैं कि आप किस प्रकार से भगवान के शरणागत हो सकते हैं। तो हम सबका ये भाव होना चाहिए कि हम इस स्थिति पर पहुंचें। और जैसे आप साधारण भाषा में लोग कहते हैं इफ यू ट्राई यू विल सक्सीड, प्रयास करोगे तो कामयाबी प्राप्त होगी। तो अगर हम प्रयास करेंगे तो फिर सफलता भी प्राप्त कर सकेंगे। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते थे, प्रभुपाद जी कहते थे कि जब वो स्कॉटिश कॉलेज कलकत्ता में विद्यार्थी थे तो उनके एक प्रोफेसर थे जो कहते थे यू शुड ऑलवेज एम टू गेट मच हायर मार्क्स देन यू नीड टू पास। कि समझो आपको मान लो 40% चाहिए पास होने के लिए, तो आपको ये सोचना चाहिए कि मुझे 80% प्राप्त करना चाहिए।
और फिर अगर ये लक्ष्य बनाकर चलोगे तो संभव है 50-60% प्राप्त करोगे। और अगर आप शुरू से ही सोचोगे हमें केवल 40% चाहिए पास होने के लिए तो संभव है 40% भी नहीं मिले। तो हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम 24 घंटे भगवान के सेवा में रहें। और अगर ये प्रयास रहेगा कि 24 घंटे भगवान के सेवा में रहें तो ये संभव है कि आप 10-12-14 घंटे भगवान के सेवा में रहोगे। तो आप सब कृष्ण भक्ति में जुड़े हो। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है, ब्रह्मांड ब्रह्मी देखो न भगवान जी गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। अनेक युनियों में गुजरने के पश्चात वो भाग्यशाली व्यक्ति है जिसे भक्ति का बीज प्राप्त होता है। प्रेम बीज उगता कब है कौन बताएगा? क्या करने पर उगेगा? हाँ, जैसे साधारण स्थिति में बीज उगता है जब आप पानी पिलाते हो, फिर भक्ति का बीज उगेगा जब आप श्रवणम और कीर्तनम करोगे। ये हम सब भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। और अगर हम बकायदा श्रवणम कीर्तनम करेंगे तो इस पेड़ से एक बड़ा अच्छा फल निकलेगा, वो है भगवत प्रेम। और आगे चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि हमें भक्तों की संगत में रहना चाहिए। साधु संग सर्वशास्त्र काया नावा मात्र साधु संग सर्व सिद्धि आया। चैतन्य चरितमृत में कहा गया है कि साधु संगत में रहो। इसलिए जहाँ भी आप रहते हो आपको इस प्रकार की योजना बनानी चाहिए कि बकायदा आप भक्तों की संगत में रहो। आज इसको उनके केंद्र हैं लगभग हर प्रसिद्ध शहर में, इसके अलावा हर शहर में नाम आहतर भक्ति वृक्ष के कार्यक्रम चलते हैं। इनका पूरा लाभ उठाओ और भक्तों की संगत में रहोगे तो भक्ति सरल हो जाती है। और अगर हम भक्तों की संगत से दूर जाते हैं तो भक्ति कठिन हो जाती है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि भक्तों की संगत में हमें रहना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि हमें एक अपराध से बचना चाहिए। कौन सा है वो अपराध? वैष्णव अपराध। चैतन्य महाप्रभु ने उदाहरण दिया कि अगर एक सुंदर बगीचा होगा और अगर उस सुंदर बगीचे में एक पागल हाथी को छोड़ दोगे तो बगीचा नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार आप बेशक जाप करो, शास्त्रों का अध्ययन करो, और अगर आप साथ में अपराध भी कर रहे हो तो इसके द्वारा आपका भक्ति का बगीचा जो है वो नष्ट हो जाएगा। तो आप सबसे निवेदन है कि आप इन श्लोकों के संदेश का पालन कीजिएगा और साथ में बकायदा शास्त्रों को भी पढ़ो। मधुर्य गोविंद महाराज भी इस विषय पर बल दे रहे थे। आज सुबह प्रभुपाद जी ने बड़ी कठिनाई के साथ इन ग्रंथों का अनुवाद किया और प्रभुपाद जी की हार्दिक इच्छा थी कि आप इन ग्रंथों का अध्ययन भी करो, केवल वितरण नहीं। तो आप सब जो दीक्षित हो, जो दीक्षा लेने की इच्छा रखते हो, आप सबको नियमित रूप से गीता भागवत बकायदा रोज पढ़ना चाहिए। और पढ़ोगे तो आध्यात्मिक बुद्धि तेज होगी, ज्यादा सरलता के साथ अमाया का विरोध कर सकोगे। ये जो साधना भक्ति का उपाय है, साधना भक्ति की शिक्षा जो हमें भक्ति रसमृत सिंधु में मिलती है, इसका हमें पालन करना चाहिए। कलयुग में नियमों की आवश्यकता है माया से बचने के लिए और भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। प्रभुपाद जी ने हमें पूरी शिक्षा दी है। प्रभुपाद जी के ग्रंथों में हमें पूरा ज्ञान प्राप्त होता है और हम अगर ध्यान से इन ग्रंथों को पढ़ें और इस शिक्षा का पालन करें तो अपने जीवन को सफल बना सकेंगे। और सफलता का अर्थ है क्या अनुकूल कर पाओगे? भगवत प्रेम। तो भगवत प्रेम हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। और अमरीश महाराज अपने जीवन के उदाहरण से हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार आप भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हो। अगर प्रयास करेंगे
तो सफलता भी प्राप्त हो सकेगी। कहते हैं इंग्लिश में, गॉड हेल्प्स दोज हू हेल्प देमसेल्व्स। अभी कार्तिक के महीने में हम दामोदर लीला का उच्चारण करते हैं। दामोदर लीला में आप देखते हो कि यशोदा माता प्रयास कर रही थी अपने बेटे को बांधने के लिए, सब रस्सियों को जोड़ लिया, जब भी ये रस्सियां दो उंगली कम निकल रही थी, पर भगवान ने फिर देखा कि माँ, मेरी माँ इतना प्रयास कर रही है, पसीना निकल रहा है, तो भगवान ने उन्हें बांधने दिया। तो इसी प्रकार जब भगवान देखते हैं कि मेरा भक्त प्रयास कर रहा है ध्यान से 16 माला रोज करने के लिए, शास्त्रों का ध्यान करने के लिए, 4 नियमों का पालन करने के लिए, अनेक विधियों का पालन करने के लिए, तो भगवान फिर उस भक्त को बुद्धि देते हैं, शक्ति देते हैं, जिसके द्वारा वो भक्ति के मार्ग में सफल हो पाए। जब भगवान देखते हैं हाँ दीक्षा तो ले ली पर गंभीरता से नियमों का पालन नहीं कर रहा, तो भगवान क्या कहते हैं, ये इस व्यक्ति को कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। सर्वस्य चाहम हृदि सानिविष्ट माता स्मृति ज्ञानम अपहनम चा। स्मरण की शक्ति भी भगवान से आती है, भूलने की शक्ति भी भगवान से आती है। भगवान ने हमें छूट दी हुई है, और जब वो देखते हैं कि हम सचमुच उनके शरणागत होना चाहते हैं, तो वो हमें उस प्रकार की सुविधा देते हैं जिसके द्वारा हम भगवान के शरणागत हो सकें। तो आप सब शिष्यों से, भक्तों से ये निवेदन है कि आप इन ग्रंथों की शिक्षा का पालन कीजिएगा, ध्यान से जाप कीजिएगा, साधु संघ में रहना, और इस प्रकार अपने जीवन को सफल बनाना। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare